कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज है छोटी दिवाली, तो सबसे पहले तो आप सबको अच्छे से दिवाली की शुभकामनाएं। इसके पहले का जो ब्लॉग देखा आप लोगों ने वो धनतेरस का था, तो बस यही है। आज मेरी छुट्टी है, सैटरडे संडे पड़ा है दिवाली, तो मेरी छुट्टी रहती है सैटरडे संडे। तो इस तरीके से तो वैसे देखा जाए तो मेरी छुट्टी भी मारी गई। तो सुबह से बस वही सब काम में लगे हुए थे, नाश्ता, क्लीनिंग। तो मैंने सोचा चलो आज आपको मैं अपनी छोटी सी दिवाली की शॉपिंग दिखा देती हूँ। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा बहुत ही लोकल मार्केट से दिया वगैरह सब लिया है, तो वही आपसे शेयर कर लूँ। ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है। और दिवाली की रही क्लीनिंग की बात, तो मैं वो धीरे धीरे जब जब थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है मैं बीच बीच में करती रहती हूँ। उसका शूट नहीं कर पाई, लेकिन थोड़ा थोड़ा साफ कर देना बीच बीच में से। लेकिन जो डीप क्लीनिंग जैसा कि करते हैं सब लोग, वो मैंने नहीं कर पाई हूँ, बिजी रहता है शेड्यूल। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा जितना भी हुआ मैंने थोड़ा बहुत क्लीनिंग किया। तो जो मैं सामान लाई हूँ, सबसे पहले तो ये बेसिक रंगोलियाँ के कलर लाई हूँ। सारे कलर हैं, ये देखिए रंगोलियों के, रंगोली के नीला, पीला, हरा, ये देखिए आप लोग देख रहे होंगे, ये सब कलर है। मैं प्रोफेशनल नहीं आती, मुझे मतलब अच्छे से डिजाइनिंग नहीं कर पाती मैं रंगोली, लेकिन मुझे शौक है। तो जो भी मैं रंगोली वगैरह बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो मैं और अवनी दोनों ही थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं। और ये हैं माता के, ये देखिए पैर, जो कि हम लोग गेट के बाहर थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, ये है। तो और ये हैं लक्ष्मी जी, गणेश जी, जिनकी पूजा लक्ष्मी पूजन के वक्त होगी, वो हम इनको ही पूजेंगे। और ये एक झाड़ू खरीदी जाती है शगुन के तौर पे, तो मैंने छोटी सी ली है शगुन के लिए, ज़्यादा बड़ी नहीं ली है। और ये लाइटिंग ली है मैंने, जो कि मैं बालकनी में लगाऊंगी, ये देखिए ये लाइटिंग ली है। और जो मेन गेट है उसमें लाइटिंग पहले ही हम लोगों ने लगा दी थी, तो वो जलाते हैं हम लोग रात में, अभी दो तो चार दिन से जलाना शुरू कर दिया है। और ये है बालकनी के लिए, और ये साथ में एक्सटेंशन लिया है, इसमें काम आएगा क्योंकि स्विच थोड़ा सा दूर है। और ये जो होता है ये है खील बताशे, जो कि पूजा में हमारे काम आते हैं, ये सब खील बताशे हैं। थोड़ा थोड़ा लिया है, कोई खाता तो है नहीं उसके बाद, तो सिर्फ पूजा के लिए लिया है। और ये लिए हैं चार डेकोरेटिव दिए, ये देखिए चार डेकोरेटिव दिए। और ये मैंने लिया है पूजा में रखने के लिए डेकोरेटिव दिए, इसमें भी इसमें पांच छोटे छोटे से दिए हैं, लेकिन ये सुंदर सा लगता है इसके लिए मैंने ले लिया, बीच में रख दो पूजा के। और ये दिए हैं मैंने पूरे घर के दिए, ये थोड़े से रंगोली में रखने के लिए डेकोरेटिव दिए हैं। और ये जो होते हैं ये लोकल मार्केट से सिंपल से जो दिए होते हैं, ऐसे बड़े लिए हैं और ऐसे देखिए ये छोटे छोटे से लिए हैं। तो इनको मुझे अभी भिगो के रखना है पानी में, वो बहुत ज़रूरी है, फिर सुखाना भी है, क्योंकि इनको भिगो के रखेंगे तो फिर ये थोड़ा सा ऑयल कम सूखेंगे। और ये लिया है मैंने रंगोली बनाने के लिए, इसमें रंगोली के पाउडर मैं भर के रख दूंगी, तो आराम से रंगोली इससे बना सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे खासे 5-6 लिए हैं, ये आप देख सकते हैं कितने सारे लिए हैं मैंने। और ये ली है माता की चुनरी, जो कि लक्ष्मी गणेश जी के दिन हम लोग उनको उड़ाएंगे। फूल लिए हैं ताजे, वो भी मैंने रख लिए हैं संभाल के। और ये लिए हैं मैंने धनतेरस के दिन, जो शगुन के लिए कुछ बर्तन, नहीं तो सोना चांदी, जैसा आपको ठीक लगे, जो आपको सही लगे। तो मैंने ऐसे ही, ये देखिए, दो प्लेटें धनतेरस के लिए ली हैं। इनका पूजन होता है धनतेरस के दिन, शुभ माना जाता है कि कोई बर्तन नहीं तो सोना चांदी लेना जरूरी होता है पूजा के लिए, तो ये मैंने लिया है। और ये लिए हैं मैंने, एक तो लाइटिंग मेन गेट के लिए ली है, और ये मैंने दिए लिए हैं इलेक्ट्रिक, तो ये मैं घर में लड़ी इसकी लगा दूंगी। तो बस यही थोड़ी सी शॉपिंग करी है मैंने दिवाली की। और हाँ, ये पटाखे, ये देखिए कितने सारे पटाखे हैं, जो कि अभी तक खुले भी नहीं है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कितने सारे पटाखे हैं, ये हस्बैंड लेकर आए थे बॉम्बे साइड से, तो ये देखिए अभी खुले नहीं है, ये सारे पटाखे का पैकेट है। और ये देखिए कितने सारे पटाखे हैं, ये देखिए और भी हैं, तो ये सब अभी अवनी खोलेगी, देखेगी क्या क्या पटाखे हैं। तो ये सब मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी है, ज़्यादा कुछ भी मैंने तामझाम नहीं करा है। संडे दिवाली है, मंडे मेरा सुबह सुबह वही ऑफिस का शेड्यूल रहेगा, छुट्टी नहीं है मंडे को मुझे वैसे ही सुबह उठ के ऑफिस जाना है जैसे मैं जाती हूँ।
तो बस यही है, थोड़ा बहुत शॉपिंग कर ली दिवाली की, सजा दूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। रंगोली जो भी मैं बनाती हूँ थोड़ी बहुत, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। परफेक्ट तो मैं नहीं हूँ रंगोली में, तो बस यही है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी हम लोगों को निकलना है, आज सैटरडे है, छोटी दिवाली है, थोड़ा बाहर निकलना है। थोड़ी बहुत कैंडल्स रह गई हैं, दिया की बाती रह गई है, ये सब थोड़ा बहुत लेना है, तो बस अभी निकलेंगे। नाश्ता वगैरह सब हो ही गया है, देखा आपने, सैंडविच वगैरह खाए थे, तो बस अभी चलिए फिर आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। तो चलिए, और आप सब लोगों को हैप्पी दीपावली, हैप्पी दिवाली, तो चलिए बाय। और आपसे बात वगैरह करने के बाद देखिए, मैं लाइटिंग लेकर आई, जो आई थी ना, वो अब मैं लगाने जा रही हूँ बालकनी में, तो ये बालकनी में लगा दूंगी ना, तो अभी आज से फिर हम लोग जलाना इसको स्टार्ट कर देंगे, तो 3-4 दिन फिर आराम से जलती रहेगी। तो वही मम्मी जी देखिए मेरी हेल्प कर रही है, क्योंकि काफ़ी बड़ी लड़ी थी तो वो उलझ जाती है आपस में, तो बस वही मैं फटाफट उसको लगाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर बाद में मेरे से वो लगा भी नहीं, तो बाद में पापा जी ने फिर मेरी हेल्प कर दी थी। तो कोशिश तो करी मैंने काफ़ी लगाने की, लेकिन हो नहीं पा रहा था, मेरे से उलझ रहा था बहुत। और ये बालकनी में प्लांट्स के रहते जगह भी बहुत कम है, तो बस वही थोड़ा कोशिश करी, उसके बाद फिर पापा जी आ गए थे, उन्होंने सारी की सारी लाइटिंग अच्छे से फिट करके लगा दी थी। तो यही है कि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है छोटी दिवाली, धनतेरस से ही सब बिज़ी शुरू हो जाता है, क्लीनिंग से शुरू हो जाता है और दिवाली तक बिज़ी शेड्यूल रहता है। तो यही है, आज छोटी दिवाली है, सैटरडे का दिन है। व्लॉग थोड़ा देर से आ रहा है मेरा, क्योंकि दिवाली में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि एडिटिंग करो, ये करो, घर के और भी काम होते हैं, तो आपको ये थोड़े दिनों के बाद ही ये व्लॉग देखने को मिल रहा है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे दिवाली हम लोगों ने सेलिब्रेट करी। और ये देखिए पापा जी लास्ट में आ गए थे और उन्होंने सारी लाइटिंग फिट कर दी थी, और रात में बालकनी का व्यू भी बहुत सुंदर था, अच्छा सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब काम वगैरह हो चुका है, तो ये देखिए सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लाइटिंग वगैरह सब लग गई, सब कुछ काम हो गया, तो लास्ट में अभी ये दिए को मैं पानी में भिगोऊंगी एक बाल्टी में। तो दियों को पानी में भिगो दो तो बहुत उसमें उसका जो तेल होता है वो कम सोखता है, तो पानी में भिगोना चाहिए दियों को, तो वो अच्छा रहता है। जब भीग जाएंगे अच्छे से 1-1.5 घंटा, तो मैं इनको सुखा दूंगी, और फिर शाम को, आज छोटी दिवाली है तो हम लोग थोड़े से दिए जलाते हैं शगुन के तौर पे, बाकी तो फिर बड़ी दिवाली में जलते ही हैं, लेकिन छोटी दिवाली में भी शगुन के तौर पे दिए जलाए जाते हैं, और थोड़ी सी फुलझड़ी वगैरह शगुन की फोड़ी जाती है। तो बस मैं यही सारा काम चल रहा है, जो काम होते हैं डेली मर्रा के। और ये देखिए मैंने मम्मी को बोला है कि सारे रंगोली के कलर इस कुप्पियों में भर दो, बॉटलों में भर दो। ये मैं बॉटलें ले आई थी, 7-8 बॉटलें लाई थी, और 7-8 ही रंगोली के कलर्स भी थे, तो इन बॉटल्स में अगर आप कलर्स भर दोगे ना, तो रंगोली बनाना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हाथ से तो हम लोगों को आदत नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरे से लाइन भी नहीं होती हाथ से, तो मैं इसलिए ये देखिए बॉटल्स लाई हूँ, इसमें अलग अलग कलर के रंगोली कलर भर दिए हैं। और यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं तैयार होके, रेडी होके, क्योंकि हम लोगों को निकलना है थोड़ा बाहर छोटी दिवाली के दिन, थोड़ा काम आ जाता है, पेंडिंग काम है। और सबसे बड़ी बात, सैटरडे का दिन है, जो छोटी दिवाली पड़ी वो सैटरडे को पड़ी है, तो सैटरडे संडे हम लोग अपने पेंडिंग काम ही निपटाते हैं, तो इस बार दिवाली भी सैटरडे को संडे पड़ गई, तो मेरी छुट्टी भी मारी गई। मैं वही आपसे फिर से वही बात कर रही हूँ, तो वही ये सब कुछ काम है पेंडिंग जो निपटाने हैं, तो अभी ये सारा जो दिवाली का प्रिपरेशन है ये करने के बाद फिर हम लोग बाहर निकलेंगे। और यहाँ देखिए ये अवनी पटाखे का पैकेट पूरा खोल के बैठ गई है, ये हस्बैंड मुंबई साइड से पटाखे लाए थे, वहाँ पे होलसेल की मार्केट है क्रैकर्स की, तो वहाँ से लेकर आए थे, तो वहाँ पे बहुत उनको अच्छे होलसेल रेट में मिल गए थे, वरना अगर आप लोकल मार्केट से लोगे तो बहुत महंगे पड़ते हैं, ज़रा से पटाखे 1-2 हज़ार के आते हैं, और ये तो इतने सारे लाए थे तो काफ़ी अच्छे रेट में पड़ गए थे मतलब, तो इसलिए हमेशा हस्बैंड वहीं से मुंबई साइड होलसेल बाज़ार से ही
पटाखे लाते हैं, तो काफ़ी अच्छे पटाखे थे। मैं आप लोगों को सारा सब दिखाऊंगी आगे चल के, जो आतिशबाजियां हम लोगों ने करी हैं। तो हमने वही बोला अवनी को कि देखो पटाखे आए पड़े हैं और अब इनको खोलो, तो इसको डिवाइड कर लो, छोटी दिवाली को क्या जलाओगी, बड़ी दिवाली को क्या जलाना जलाओगी, तो सब एक एक अलग कर लो। ये देखिए अनार दिखा रही है वो, कितने सुंदर अनार हैं। तो अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं कि ये छोटी दिवाली को क्या, बड़ी दिवाली को क्या। तो मैंने कहा अलग अलग पैकेट में भर दो तो हमें ही आसानी होगी रात में। तो उसको बड़ा शौक है, देखिए सारा खोल खोल के सबको दिखा रही है, चरखी अनार। और ये एक पैकेट अलग है, वो जो दिखाया वो छोटा पैकेट था और ये सबसे बड़ा पैकेट है। इसमें बम है, सुतली बम है और लड़ी है बमों की, और बहुत फायर क्रैकर्स अलग अलग तरीके के हैं, ये देख सकते हैं आप। ये पूरा होलसेल मार्केट से ये लेकर आए थे हस्बैंड, और बहुत ही रीज़नेबल भाव में पड़ गए थे और बहुत अच्छे थे, मतलब एक भी पटाखा ख़राब नहीं गया, बहुत ही अच्छे जले, बहुत ही बढ़िया। तो वही है, वही अवनी को बहुत शौक है, तो वही सब वो मैंने कहा तुम खोल लो तो मैं शूट भी ले लेती हूँ। तो बस वही अभी यही सब चल रहा है। अभी हम लोगों को बाहर भी निकलना है थोड़ा काम। और यहाँ पे देखिए मम्मी जी, मम्मी बैठ के बातें कर रहे हैं, हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, तो सब तैयार होके ही बैठे हैं क्योंकि निकलना भी था, कहीं देर ना हो जाए। लेकिन कुछ भी बोलिए, अच्छी खासी निकलते निकलते देर हो गई थी क्योंकि सुबह देखिए मैंने नाश्ता बनाया, क्लीनिंग करी, ये सारा दिवाली का सारा प्रिपरेशन करी, तो कोई चाह कर भी जल्दी चाहे भी तो भी नहीं निकल सकता, तो काफ़ी लेट हो ही जाता है सारे घर के काम निपटाते निपटाते। और ऊपर से दिवाली का समय है तो घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो उनको भी निपटाना बहुत ज़रूरी है। तो बस वही अभी मैं अवनी के साथ देखिए बैठ गई हूँ, पटाखों को लेके और कैंची लेके एक एक करके सब खोल खोल के देख रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, वरना रात के वक्त ये सब करेंगे तो फिर कब पटाखे जलाएंगे, कब क्या होगा, तो इसके लिए ये सब काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वही मैं लेके बैठ गई हूँ और हम सब लोग रेडी हैं निकलने के लिए, ड्रेसअप कर लिया है, देखिए बैग वगैरह भी दिख रहा है, तो बस निकलने की देर है। लेकिन हाँ, हम लोगों को बहुत लेट हो गया था निकलते निकलते, और फिर लेट और लौटे भी लेट थे, तो क्या कर सकते हैं। और पटाखे वगैरह सब दिखा दिए, सेग्रीगेट कर लिए छोटी और बड़ी दिवाली के लिए। और यहाँ पे अब मम्मी अवनी की चोटी बनाने आ गई हैं क्योंकि अब हम लोगों को जल्दी से निकलना है और जल्दी से घर वापस आना है, छोटी दिवाली सेलिब्रेट करनी है। तो देखिए सब वेट कर रहे हैं, बस अवनी की चोटी बन जाएगी बनेगी और हम लोग बस निकल जाएंगे। तो बताइएगा फ्रेंड्स, ये छोटी दिवाली का व्लॉग आपको कैसा लगा, और आगे भी अभी आपको छोटी दिवाली का व्लॉग आपको मैं दिखाऊंगी, फिर दिवाली का व्लॉग भी दिखाऊंगी। तो धीरे धीरे सब आपको डिटेल में दिखा रही हूँ, एकदम से सारा नहीं दिखा सकती, तो धीरे धीरे डिटेल में दिखा रही हूँ। तो बताइएगा कैसा लगा। और फाइनली हम लोग देखिए सब काम निपटा के निकल पड़े हैं, तो अपने सारे काम निपटाने के लिए, तो देखिए सब लोग निकल पड़े हैं और अभी घर भी जल्दी से लौट के आना है। तो अगले व्लॉग में मैं आपको आगे का सब सीरीज़ दिखाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, बाय, थैंक यू।